सो वेलकम बैक अगेन गाइस। सी पैटर्न प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे ये दोनों पैटर्न और इसके बाद हम देखेंगे दो और पैटर्न। तो आज हम टोटल चार पैटर्न देखने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपको भी पैटर्न सी पैटर्न को सॉल्व करने में, उनको लॉजिक लिखने में, प्रोग्राम लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है पूरी सीरीज को ज़रूर देखें, क्योंकि हम जो इसमें बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और धीरे धीरे इसमें जो है उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और पूरे लेक्चर सीरीज को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अब हम इसकी बात करते हैं। ये वाला जो आपका पैटर्न है, फर्स्ट वाला, ये देखिए आपका शेप दोनों का सेम है। हमें क्या करना है, हमें अगर लॉजिक मिल जाए कि शेप को कैसे प्रिंट कराना है तो हम जो स्टार को और ये जो नंबर्स इनको आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा सबसे काम, पहला काम क्या होगा कि ये जो शेप दिख रहा है उसको कैसे प्रिंट कराएं। और शेप में आप ध्यान देंगे तो आपका जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ है, फिर स्टार है, फिर यहाँ पर स्पेस है, फिर ये स्टार, फिर यहाँ पर स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जो है इसको ग्रिड्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो हमने इसको ग्रिड्स में डिवाइड कर लिया है। और ग्रिड्स में डिवाइड करने का हमारा मकसद, मेन मकसद यही होता है कि हम जो ये पैटर्न देख रहे हैं इसमें जो इनसाइट्स हैं, जो चीज़ें छिपी हुई हैं जिससे हमारा लॉजिक निकलेगा, उसको हम देख सकें। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये क्या है, ये जो आपका रो नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये जो आपका कॉलम यहाँ से है यहाँ तक 9 है। आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह से कोई पैटर्न मिले तो आपको क्या करना है, रो के लिए आपको सीधे आउटर फॉर लूप यूज करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आउटर फॉर लूप यूज करोगे और यहाँ पर जो है आई नाम का एक वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज कर दिया सपोज 1 से, और कहाँ तक जाना है, 5 रोज प्रिंट कराने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस होगा। तो इससे क्या होगा कि अब आपने जो ये वाला आउटर फॉर लूप लिखा है इससे ये 5 रोज प्रिंट होंगे। बाकी जो है हम देखेंगे कि आखिर और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे जिससे पूरा पैटर्न प्रिंट होगा। तो अब हमें क्या कर देखना है कि अब हम ये जो है कॉलम्स जो हैं इनको कैसे प्रिंट कराएंगे। तो कॉलम्स को प्रिंट कराने के लिए भी हमें एक और फॉर लूप यूज करेंगे और यहाँ पर जो है एक और वेरिएबल लेंगे जे। और आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने कुछ जो है इधर, अगर कुछ 5 या 7 वीडियोज़ की मैं बात करूँ तो इधर मैंने क्या किया था इस तरह के पैटर्न्स के लिए, कुछ इस तरह से किया था कि अगर जे यहाँ पर सपोज है कॉलम के लिए तो यहाँ पर -4 से स्टार्ट किया, टोटल 9 है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। और बाकी काम हमने एब्सोल्यूट फंक्शन से कराया था। इसमें हम क्या करेंगे, जे को इनिशियलाइज करेंगे -4 से, और -4 से इनिशियलाइज करके कहाँ तक ले जाना है, 4 तक। हम क्या करेंगे, जे इज लेस देन और इक्वल टू 4 और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब देखिए आपने क्या किया कि जो आई है और जे कितने कितने हैं, 9 रो कॉलम्स हो गए और 5 यहाँ पर जो आपके हो गए रोज। लेकिन अब आपको क्या देखना है कि ये जो शेप है इसको कैसे प्रिंट करें। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर आप सपोज यहाँ पर आपने 1 से स्टार्ट किया तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ पर 0 है, 0 जब है यानी जो आपका कॉलम है 0, यहाँ पर 1 है और ये जो है स्टार प्रिंट किया। फिर आपका यहाँ पर -1 और 1 अब स्टार प्रिंट किया लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर -1, 0 और 1। फिर 3 जब है आई को वैल्यू तो -2, -1, 0, 1, 2 यानी कि आप देख रहे हो कि जो जे की वैल्यू है वो क्या हो रही है, हमेशा जो है कम रह रही है जब आपका ए वाला सेट प्रिंट हो रहा है। अभी हम इसमें ये चीज़ नहीं देख रहे कि कब स्पेस प्रिंट हो रहा है और कब स्टार प्रिंट हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो शेप प्रिंट हो रहा है वो कब प्रिंट हो रहा है, जब यहाँ पर इफ कंडीशन देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे इज लेस देन आई है। ठीक है, 0 यहाँ पर 1 तब प्रिंट कर रहा, फिर यहाँ पर स्टार और यहाँ स्पेस स्टार, तब ये जो आपका कब प्रिंट कर रहा, -1, 0 यानी कि जो जे की वैल्यू है एब्सोल्यूट जे -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 लेस देन 2 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, अब इसके बाद देखिए अब ए वाली कंडीशन आपकी होगी कि ए जो आपका पूरा सेल्फ प्रिंट करेगा,
लेकिन इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पर स्टार प्रिंट कर रहा है और स्पेस भी प्रिंट कर रहा है। तो इस स्टार का प्रिंट कर रहा है, आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जब यहाँ पर जीरो है वन है, फिर माइनस वन वन टू, फिर माइनस टू टू, और यहाँ पर क्या है थ्री है। आप एक चीज़ देखोगे कि जब यहाँ पर, फिर हम एक कंडीशन दे रहा हूँ, आप इसको नोटिस करिए कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे और इसको डिवाइड किया, ये होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर, और ये जब है नॉट इक्वल टू आई मॉड्यूलर ऑपरेटर टू के, ठीक है। यानी कि जब एक जो है ऑड है और एक इवन है, यहाँ पर क्या है ये इवन है, यहाँ पर ये ऑड है, ठीक, यहाँ पर ये ऑड है और ये वाला आई की वैल्यू इवन है, यानी कि जो यहाँ पर ये क्या बताएगा कि नंबर ऑड है या फिर इवन है। इससे हम जब डिवाइड करेंगे टू से, और तब यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो देगा या तो जीरो या फिर वन देगा, ठीक है। ऐसे ये भी जीरो देगा या फिर वन देगा। तो ये जो जब जब एक दूसरे से ये डिफरेंट होंगे यानी कि नॉट इक्वल होंगे, ये क्या करेगा, तब प्रिंट करेगा आपका स्टार। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट प्रिंटर, और एक स्टार प्रिंट करेगा, और एल्स प्रिंटर स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया कि अभी तक का, ये वाली जो है स्टार और स्पेस के लिए। लेकिन एक चीज और है कि इसके अलावा भी आपके स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि जब जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाला पूरा आपका सेट प्रिंट होगा, बाकी ये वाली कंडीशन होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्स लगाएंगे और क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंटेड और स्पेस प्रिंट करा देंगे। अब जब एक लाइन पूरा हो जाएगा, एक रो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है, हमें जो है न्यू लाइन पे आ जाना है, प्रिंट न्यू लाइन करेक्टर, और इतना हो जाएगा। तो ये वाला एक करली ब्रैकेट हो गया आपका इस वाले फॉर लूप के लिए, और आउटर वाले के लिए एक और हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला पूरा आपका चल जाएगा, माइनस फोर, सॉरी ये वाला जो है इसके बाहर रहेगा, ठीक है, ये वाला जो फॉर लूप है इसके बाहर रहेगा, क्योंकि ये पूरे जब प्रिंट हो जाएगा उसके वजह से न्यू लाइन पे आना। तो ये वाला जो करली ब्रैकेट आप बंद करोगे यहाँ पर, इसके वजह से आपका रहेगा प्रिंट एफ और न्यू लाइन करेगा। तो इस तरह से जो है ये वाला पूरा प्रिंट हो जाएगा। और अब हम बात करें अगर दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में आप देखिए यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री फोर फाइव, यानी कि आपका जो रो नंबर है वही प्रिंट कर रहा है, यानी हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट डी, और यहाँ पर जो है आपका आई की वैल्यू दे देंगे और आपका वो पूरा प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न है वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं, और पूरा यहाँ पर हमें बस चेंज क्या करना था कि यहाँ पर जो परसेंट डी और आई लिख देंगे तो पूरा वाला प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका ये वाला पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है कि वन है, फिर वन टू, वन टू थ्री है, फिर वन टू थ्री फोर है, और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव है। और एक चीज़ मैं आपसे बात करूँ कि जो मैंने अभी बताया था कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले लॉजिक देखना है कि आप जो शेप कैसे प्रिंट कराते हो, ठीक है, जो नंबर्स हैं वो तो आप आसानी से प्रिंट करा लोगे। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया कि शेप हमारा कैसे प्रिंट होगा, अब हमें क्या देखना, बस नंबर्स हम कैसे प्रिंट कराएं। हमें क्या करना है, जितनी बार भी न्यू लाइन जब स्टार्ट होगी, जो है न्यू रो स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर आपको क्या स्टार्ट करना है कि वो जो प्रिंट करे वन से, और जब भी प्रिंट करेगा क्या प्रिंट करे वन से प्रिंट करे, फिर इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर जो प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पर हम क्या करें कि ये जब प्रिंट हो जाएगा तो एक जो है हम यहाँ पर एक लेंगे, यहाँ पर जो आपका यहाँ से न्यू लाइन आएगा, यहाँ से न्यू लाइन होगा, फिर न्यू लाइन के बाद से क्या करेगा, यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद से यहाँ पर जो आपका जे की वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से क्या होगा कि हमारा प्रिंट करेगा। लेकिन हमें उसके पहले क्या करना है, एक और वेरिएबल हम लेंगे इंट एम की वैल्यू वन रख दिया। अब वन से क्या होगा कि जितनी बार भी ये न्यू लाइन के बाद से ये वाला चलेगा, न्यू लाइन के बाद से ये चलेगा, और फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद से ये वाली आपकी स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद से वो नहीं चलेगी जब तक ये न्यू लाइन नहीं आएगा, इस वाले फॉर लूप के बाहर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर एम प्रिंट करा देना है। लेकिन आप अभी आप जो है यहाँ पर कुछ नहीं करोगे तो आपका वन वन बस प्रिंट होगा,
आपको क्या करना है, जितनी बार ये वाले इफ स्टेटमेंट चलेगा आपको एम प्लस प्लस कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर फर्स्ट टाइम वन चला, फिर जो सेकंड टाइम जब सेकंड रो में चलेगा वन, वन के बाद से आपका क्या होगा प्लस प्लस होकर के टू हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा कि फिर स्टार्ट होगा वन से, थर्ड रो में जब आएगा तो वन से स्टार्ट होगा और फिर वन प्रिंट करेगा, फिर प्लस प्लस होगा टू, फिर प्लस प्लस होगा थ्री प्रिंट करेगा। इस तरह से आपका ये वाला पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर सपोज जो है आपका कैपिटल ए वन की जगह पर कैपिटल ए हो और जो टू है वहाँ पर कैपिटल बी हो, यहाँ पर जो थ्री है यहाँ पर कैपिटल सी हो, इस तरह से आपका पूरा पैटर्न रहे यानी कि अल्फाबेट्स हो, ठीक है, तो आप उसको भी आसानी से प्रिंट करा लोगे। और ऐसे पैटर्न्स की हमने बात जो है पिछले काफ़ी लेक्चर्स में करी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चेंज करना है यहाँ पर परसेंट डी की जगह पर परसेंट सी होगा, और आपको देखना है कि यहाँ पर वन प्रिंट कराना था वन टू टू, आप जो है इस कैपिटल ए का आस्काई वैल्यू क्या होता है 65 होता है, तो आप जो है एम यहाँ पर जो आई था जो ये वाला जो पैटर्न था उसकी बात करें तो जो वन था वो किस कहाँ से आ रहा था, ये वन और ये टू तो आई से आ रहा था। हमें क्या देखना है आई में हम कितना ऐड करेंगे, ये पूरा जो है उसके आस्काई वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर हम 64 ऐड करते हैं तो जो है उसके आस्काई वैल्यू के बराबर हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इस तरह से, और पूरा आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल ए और बी कैपिटल बी, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था इतना पैटर्न। अब इसको हम कोड ब्लॉक्स पर रन कराएंगे और देखेंगे कि हमारा ये पैटर्न जो लॉजिक हमने देखा है और प्रोग्राम देखा है ये कितना सही है। तो अब मैं कोड ब्लॉक्स पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपसे एक बात करूँगा कि आप कभी भी कोई भी पैटर्न देखें तो उसको जो है पूरे अपने एंड पे ट्राई करें, जितना भी आप उसे उस प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हैं उस पैटर्न को उतना आप ट्राई करें। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि मैंने जो है इस वाले प्रोग्राम को ट्राई किया था, सबसे पहले तो मैं कॉपी पर ट्राई किया, उसके बाद से यहाँ पर मैंने लिखा तो उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स आई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उनको कमेंट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद से मैंने जो उसमें कुछ सुधार किया और उसके बाद हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट हुआ था। तो ये आपका जो कमेंट किया हुआ है ये आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने छोड़ा था कि आपको दिखा सकूं कि हम भी ऐसे ही एक्चुअल में ट्राई करते हैं और आप भी इसको जो है ट्राई किया करें अपने एंड पर पूरी तरह से। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आउटर फॉर लूप यूज़ किया है जो आपके रोज के लिए है, फिर आपका इनर फॉर लूप है, और इसके बाद से हमने वो कंडीशन दी है कि कब कब जो है आपको स्टार प्रिंट कराना है उसके अंदर दिया है और कब स्पेस प्रिंट कराना है, और एक आपका फिर है एल्स वाला जब आपका स्पेस प्रिंट करेगा। और एक चीज़ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट सिर्फ रन कराना हो इफ़ या एल्स कंडीशन के बाद या फिर फॉर लूप के बाद तो आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जो है हैबिट में ये लाइए कि आपको हमेशा जो है कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। क्योंकि अगर सपोज आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़े, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एम प्लस प्लस इसके बाद ऐड करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, फिर अगर आप भूल जाते हो कर्ली ब्रैकेट लगाना, अगर आप नहीं लगाए हो और आप वैसे ही रहने देते हो तो आपका जो प्रिंट होगा वो गलत प्रिंट होगा और आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करने यानी कि एरर का पता लगाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपाइलर आपका वो एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है बिल्ड करते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को लिखोगे तो उसमें आपको क्या करना है, बिल्ड करना है, फिर आपको रन कराना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका ये वाला पूरा जो है सेफ प्रिंट हो गया है जैसा हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना था कि जो वन फर्स्ट रो में आपका वन था, फिर सेकंड में टू टू, थर्ड में थ्री थ्री था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था परसेंट डी और इसके बाद से हमने लिखा था आई का, और इसको हम क्या करेंगे बिल्ड करेंगे। सबसे पहले बिल्ड करने के बाद इसको रन कराएंगे, तो यहाँ पर जीरो एरर है, रन कराते हैं। रन कराने के बाद से ये भी हमारा प्रिंट हो गया है। अब हमारा तीसरा वाला था कि हमें जो है फर्स्ट में वन, फिर सेकंड में वन टू, थर्ड में वन टू थ्री, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि एक जो है इंट एम इसको इनिशियलाइज किया था वन से, और इसके बाद से हमने यहाँ पर क्या किया था कि परसेंट डी है और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया था एम को, और इसके बाद से एम
प्लस प्लस। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक और लाइन ऐड की है यहाँ पर, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा था, हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बिल्ड करते हैं और रन कराते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वैसा ही प्रिंट हुआ है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। फिर अब अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि आपको जो है आस्काई वैल्यू में कुछ प्रिंट कराने हो, तो आपको यहाँ पर सपोज 1 1 2 इस तरह से, तो आपको 64 ऐड करना पड़ेगा। और हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर जो है हमें परसेंट सी प्रिंट कराएंगे। तो इस तरह से हम अगर कोई भी चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैरेक्टर प्रिंट करेगा, और उस कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें परसेंट सी यूज करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिटल है, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से हमारा पूरा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है कोई भी पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं इस शेप का, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आगे की वीडियोज में कुछ देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न, और आगे जो है जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा जो है डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।